Hello everyone, welcome to my channel Simple and Real Blog with Reyansh. ये चावल का बैटल है. ये देखिए कुछ लहसुन की कलियाँ, तीन मिर्चा गोल की और जीरा इधर मैं ले ली हूँ. ये सबको पेस्ट बना लूँगी. मैंने चावल रात में ही भिगो के रख दिए थे, रात भर वो फूल रहे थे. फिर सुबह मॉर्निंग में उसे मैं अच्छे से धो करके और पीस ली. जब मैं चावल पीस रही थी तभी मैं गोल की जीरा मिर्च और लहसुन की कलियां डाल के पीस लेती हूँ एक साथ. फिर इस बैटल में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर ये सारे डाल करके मैं अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी. बैटर जितनी पतली होगी उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी इसकी. जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर एंड कमेंट करें. मैं सारे डाल करके अच्छे से मिला लेती हूँ. अब इसे ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए. इधर मैं लौकी को काट लेती हूँ. छोटे छोटे टुकड़े में लौकी काट लेंगी इसे. एक बार जरूर बना इसे और देखिए कैसा लगता है. बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने में लौकी और भी कोई भी सब्जी, तो इस तरह डाल के बनाने से बच्चे को पता नहीं चलता और वो खा लेते हैं. मैं इधर लौकी को छील करके धो करके काट लेती हूँ छोटे छोटे. आप सबको मेरा ये रेसिपी कैसा लगे इसे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें. बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. स्पेशली ये बच्चे को खिलाने के तरीके हैं. जितने छोटे छोटे लौकी कटेंगे उतने ही अच्छे लगेंगे. उससे पता नहीं चलता है कि क्या डाला हुआ है बच्चे लोगों को. पूरे छोटे छोटे टुकड़े में लौकी को काटें. मैं आधा ही लौकी ले रही हूँ क्योंकि मेरा एक गिलास ही चावल था, इसीलिए आप अपने अनुसार लें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लौकी का भी, इसमें कोई भी सब्जी जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं उसे आप उसका इस तरह से बना सकते हैं. आप सब भी जरूर एक बार ट्राई करें इसे बनावें और फिर मुझे जो बनाए वो खा के मुझे ज़रूर बतलाएं कि कैसा लगा. इधर मेरा सारा लौकी कट गया है. इधर गैस पे मैं कढ़ाई रख देती हूँ.
इसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ। अब देख लें अपने लौकी के हिसाब से ही तेल डालें। इसमें मैं मिर्चा को 2 टुकड़ों में करके डाली और हींग थोड़ा सा, इसमें लौकी डाल दिया, ज़्यादा कुछ डालना नहीं है इसमें। इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ, चला ले रही हूँ। अब इसमें नमक डालूँगी। याद रहे मैंने बैटल में भी नमक डाला है, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा ही नमक डालूँगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। हल्का सा ही नमक डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर लेते हैं। ध्यान में ये रखना है कि बैटर में भी सारे मिले हुए हैं, मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, तो इसमें भी चाहिए मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, तो ज़्यादा ना डालें, थोड़े थोड़ी मात्रा में डालें ताकि अच्छा लगे खाने में। सारे को मिक्स कर दे रही हूँ। इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, बीच बीच में आप देखते रहें कि ये पका कि नहीं पका, बीच बीच में चलाते भी रहें। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, जितना टेस्टी होता है उतना वक्त भी नहीं लगता है बनाने में, बस मन होना चाहिए, फिर ये फटाफट बन जाएगा। देखिए बीच में मैंने एक बार फिर से देख ले रही हूँ, ये भी गला नहीं है। जब तक लौकी गल ना जाए पूरी अच्छी तरह से, तब तक इसे बन पकाते रहना है। फिर से मैं चेक कर ले रही हूँ, अब ये पूरा गल चुका है। तो मैं इसे निकाल के एक बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा हो गया है, अब इसको मिक्स करूँगी, बैटर में डाल दूंगी, चावल के बैटर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कि पूरी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इधर ताई रख देंगे। आप नॉन स्टिकी पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर यह नॉर्मल है, मैं इसी में बनाऊंगी। इसमें ऑयल थोड़ा सा डाल के पूरा ग्रीस कर लूँगी ताकि ये चिपके नहीं। अब इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े करके बैटर डालें, आप चाहें तो ये डालने वाले से भी आप इसे पूरा फैला सकते हैं, पर मैं इसे हाथ से पूरा फैलाऊंगी, पूरे गोल से शेप में। और बैटर जितनी पतली होगी उतनी अच्छी बनेगी।
अब ये पक जाएगा तो किनारे से इसे पलट लेंगे, किनारे किनारे पहले से निकाल लेंगे ताकि ये जितने चिपके हुए वो निकले। ये देखिए, और अगर ना निकले किनारे किनारे से तो हल्का हल्का किनारे से ऑयल डाल देंगे तो ये निकल जाएगा। इसे फिर से एक बार पलटेंगे, इधर नहीं निकल रहा था इसीलिए मैं किनारे किनारे में हल्का ऑयल डाल दी। अब इसे पलट के फिर ऊपर में हल्का सा ऑयल लगा दूंगी। ये देखिए अब पक गया, इसे निकाली और इसी तरह से सारे को पका लूँगी। फिर से एक और डाल दिए और इसको हाथों से फैला दूँगी। एक कटोरी में साइड में पानी रख ले, जब ये हाथों से फैलाएं उसके बाद हाथ को धो लें। बस सबको ऐसे ही पका लेना है, किनारे किनारे से धीरे धीरे निकाले। अगर ये पक जाएगी तो किनारे किनारे से अपने आप निकलने लगेगी, कच्चा रहेगा तभी नहीं निकलेगा। पकने से ये अपने आप ताई को छोड़ते जाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से पक के कितना सुंदर लग रहा है, इतना टेस्टी, खाने में भी लगता है बहुत ही टेस्टी लगता है, पता भी नहीं चलता है कि इसमें कुछ मिक्स भी है। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है, बच्चों को खिलाने के लिए इस तरह से सारी सब्जियां डाल के बना सकते हैं और खिला सकते हैं जो आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। लौकी तो बहुत ही कम बच्चे खाते हैं इसीलिए ये लौकी की बनाई है मैंने, और ठंड में इसे बना इस तरह से बनाने में अच्छी लगती है, कुछ डिफरेंट भी, नहीं तो लौकी खा खा के उग जाते हैं ठंड के मौसम में। आप सब ज़रूर बनाएं इसे और एक बार ट्राई करें। ये देखिए दोनों तरफ से पक गए, इस तरह करके सारी मैं तैयार कर लूँगी रोटियाँ। इधर मेरी बेटी भी आ गई है देखने के लिए। अब इधर बन के तैयार हो गया है और आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ किसी भी तरह या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।